सावन के महीनों में घेवर जो है बहुत ज्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं और रक्षाबंधन में तो घेवर का बात ही क्या है। तो घेवर बनाने के लिए चलिए मैं घर पे आपको बताती हूँ कि कैसे घेवर बनके रेडी होगा और बहुत ही बढ़िया बिल्कुल जालीदार घेवर। ये राजस्थान की खास डिश है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे से घेवर जालीदार बनके रेडी हुई है। तो हलवाई कैसे बनाते हैं चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच यानी कि ये मेजरिंग कप से मैंने आधा कप लिया था घी। अब इनमें आइस क्यूब डाल देंगे, आइस क्यूब डाल करके अच्छे से इसे हम फेटेंगे और तब तक फेटेंगे जब तक हमारा ये घी और बर्फ के टुकड़े अच्छे से मिक्स हो करके बिल्कुल व्हाइट ना हो जाए, यानी कि स्मूथ सा हमें बैटर बनाना है। आप देखेंगे इस बर्फ के टुकड़े और घी को मिक्स करते करते काफी अच्छे से व्हाइट रंग का एक स्मूथ सा बैटर बन के रेडी होगा। अब आप देख सकते हैं घी बिल्कुल फेटते फेटते व्हाइट हो चुका है। अब हम आइस क्यूब को निकाल लेंगे। अब मैंने आइस क्यूब निकाल ली है और इसे हम थोड़ी देर और फिटेंगे। तो बिल्कुल मैं हलवाई स्टाइल बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि जो परफेक्ट एकदम जालीदार बढ़िया घी वेवर बनके रेडी होगा। तो मैं एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी कि हलवाई ऐसा क्या डालते हैं कि जिससे हमारा घेवर बहुत ही परफेक्ट बनके रेडी होता है। अब हम मैदे को इसमें डाल देंगे। मैंने 1 कप मैदा लिया है, तो मैं हाथ से मिला रही हूँ कि अच्छे से, मेरे हाथ में भी घी लगा है तो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मुझे इसे बहुत ज्यादा नहीं फेटना है, इस तरह से फैला देना है। अब सीक्रेट चीज मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच चने का बेसन। इसको भी अच्छे से छन्नी से छान लिया है और सभी चीजों को हमें छान करके ही लेना है, इसमें बिल्कुल गुठली नहीं बननी चाहिए। अब हम 1 कप दूध डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसे पानी से भी बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 कप पानी पहले डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। इसमें जितनी मटेरियल होगी वो ठंडा ही रहेगा, हमें बिल्कुल पानी भी चिल वाटर लेना ही है। बिल्कुल फ्रिज में ठंडा पानी रखा है मैंने, पानी भी ठंडा यूज करेंगे। आप इसे चाहें तो विस्कर की सहायता से, आपके घर में अगर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो आप इसे सीधे डायरेक्ट मिक्सी जार में ट्रांसफर करके अच्छे से पीस करके ले सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। तो मैंने हाथ से घी और मैदे को मिक्स किया था इसलिए थोड़ा लम्स बन गए हैं, इसीलिए मैं हैंड ब्लेंडर यूज करने वाली हूँ। आप चाहें तो मैदा डाल करके और थोड़ा पानी या दूध मिक्स करके इस तरह से आप घोल तैयार कर सकते हैं, तो हैंड ब्लेंडर या मिक्सी जार यूज करने की जरूरत नहीं है। अब हैंड ब्लेंडर चलाने से घी तो थोड़ा सा देखिए ऊपर आ गया, तब इसे थोड़ी देर के बाद अपने आप सही हो जाएगा। अब इसमें हम 1 नींबू का रस डाल रहे हैं। बिल्कुल हमें बैटर को गर्म नहीं होने देना है, ये ठंडा ही रखना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बैटर बनके रेडी हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा और पानी डाल के मिलाएंगे, वैसे ही ये रनिंग कंसिस्टेंसी का लिक्विड पाना बनके रेडी हो चुका है। जिस तरह से एक गाढ़ा दूध होता है उस तरह से हमारा ये लिक्विड तैयार होना चाहिए। तो मैंने टोटल 5 कप पानी डाला है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से स्मूथ सा बैटर बनके रेडी हुआ है। तो मेरे पास एक केचप का बॉटल है, इसी से मैं बनाती हूँ। जलेबी भी मैंने बनाया था, आपको जलेबी की वीडियो देखनी हो तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आइस क्यूब भी कटोरी में रख दिया है और इस बॉटल को इसमें रखेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि लिक्विड बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। और मैंने लिया है ये देखिए 1 इंच कम है भगोने से, नीचे है, तो इतना हमें ऑयल या घी लेना है। इसमें थोड़ा सा हम चेक कर रहे हैं डाल करके लिक्विड, तो बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। अब हम फ्लेम को हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पे ही हमें घेवर को बनाना है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें बिल्कुल बैटर को थोड़ा थोड़ा डालना है और जब झाग बनना बंद हो जाए तो फिर हमें दोबारा डालना है। इस तरह से हमें घेवर को बनाना है। बबल्स उठना बंद होगा फिर हम इसमें लिक्विड डालेंगे, तभी हमारा परफेक्ट घेवर बनके रेडी होगा। जाली बनना शुरू हो गई है, तो इस तरह से लकड़ी के एक चम्मच की सहायता से बीच में होल करेंगे और फिर इसमें लिक्विड डालेंगे। आप देख सकते हैं साइड साइड में जाली कितनी अच्छे से बनके रेडी हुई है। तो अब हम चाकू की सहायता से साइड जितने हैं सब नीचे इस तरह से गिरा देंगे। घेवर को अंदर घी में ले जाएंगे, डिप करेंगे और थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही एकदम क्रिस्पी से बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मैंने लिया एक पूड़ी छानने वाला एक जालीदार पलटा, तो उसमें हम निकाल रहे हैं। आपके पास कोई और जाली हो तो उस पर आप रख सकते हैं। तो अब हम दूसरा भी घेवर इस तरह से बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा लिक्विड डालेंगे, बबल्स बनने तक हम रुकेंगे, फिर डालेंगे, फिर बबल्स बनेगा। तो इस तरह से वो साइड में जा करके इकट्ठा होता रहेगा और हमें बिल्कुल लिक्विड को बीच में डालना है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से जाली बनके रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे थोड़ा सा चाकू की सहायता से साइड का थोड़ा हटाएंगे और फिर ऑयल में हम डिप करेंगे। तो आप देख सकते हैं अब पक चुका है बहुत ही अच्छे से और जाली भी बहुत ही अच्छे से बनी है परफेक्ट। तो इसे भी हम निकाल लेंगे।
इस समय मैं 3 घेवर बना रही हूँ और बाकी लिक्विड को मैं रखूंगी फ्रिज में, बाद में उसको बनाऊंगी। तो रक्षाबंधन में घेवर कई तरीके से बनाए जाते हैं, आपको किसी और घेवर की डिमांड हो तो आप बताइएगा। बहुत ही अच्छे से घेवर बन के रेडी हुआ है। अभी देखिए इतना घी मेरा बच गया है और इतने में 3 घेवर रेडी हुआ है। तो अब मैं इसी 3 घेवर के हिसाब से बना रही हूँ चाशनी। मैंने 1 कप चीनी डाला और आधा कप मैं पानी डाल रही हूँ, आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह से हम चम्मच की सहायता से इसे पहले मिला लेंगे और फिर हम गैस ऑन करेंगे। पहले हम इसे अच्छे से डिजॉल्व कर लेंगे। अगर आपकी चीनी बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप नींबू या दूध डाल करके इसकी गंदगी को साफ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से ये चाशनी पक गई है। थोड़ा सा हम चेक करेंगे अभी, तो थोड़ा सा हम कटोरी में ले करके हल्का ठंडा करके दोनों उंगलियों के बीच में इस तरह से चिपकाएंगे तो आपको दिखेगा एक तार बनना, तो उस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो हमारी चाशनी भी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम चलेंगे घेवर में चाशनी को डिप करेंगे। पहले तो हम घेवर को इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब छन्नी में रखने से एक्सेस ऑयल इसमें से निकल जाता है। तो मैं इसी भगोने में डिप करने वाली हूँ। एक साइड से दूसरे साइड से चाशनी को अच्छे से चम्मच की सहायता से ऊपर से चाशनी डाल दूंगी, क्योंकि मैंने कम मात्रा में चाशनी बनाई है, मुझे चाशनी बचानी नहीं थी। काफ़ी मात्रा में चाशनी बच जाती है तो वेस्ट होती है। आपको चाशनी बहुत कम दिख रही है लेकिन हमारी ये 3 घेवर के लिए बहुत ही परफेक्ट है। आप बनाइएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इन घेवरों के नीचे एक जालीदार स्टैंड रखिएगा जिससे हमारा जो है एक्सेस चाशनी है वो निकल करके नीचे आ जाए प्लेट में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने घेवर को इसमें डिप कर दिया है। तो मेरे घर में मेहमान आए हैं इसलिए मैं इन्हें तुरंत सर्व करूंगी 5 मिनट के बाद, इसलिए मैंने इसे स्टैंड पर नहीं रख पाई। तो आप ज़रूर रखिएगा। तो इस तरह से हम डिप कर लेंगे। आप देख सकते हैं एक साइड से तो अच्छे से इसमें चाशनी लग गई है। अब बाकी बची हुई चाशनी हम इस तरह से ऊपर से डाल देंगे। अब हमारे 3 घेवर बनके रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको हमारी घेवर की वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ये घेवर की वीडियो कैसी लगी। जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।